राजकुमार दा कोनो खा ले जा ओरे को ना क्या इतना मोटा रह गया जब तक सामना है तब तक तो सभी एकदम डेरा के घर डूब जाए फोटो जल्दी 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 रसीद ये वाला पूरा सही नहीं है पूरा मैंने इसमें दांत मारेगा ना का और का डबल वीडियो कर रहे हैं दीन बोरा टा अरे बहुत तेज हो इस साल सबसे तेज अभी जो व्हाट्सएप में रखे हैं जो नाग साहब वाला था वो कैसे पकड़ लिया था अरे सिटी नहीं मार रहा है कोई मारे मारे बापू अलग एकदम फटा हुआ आप जैसे देख सकते हैं क्या बादल के जेठा घर में तीन तीन को रेसल वाइपर निकले हैं और इस समय क्या खोल के देख लीजिए नहीं इसमें दूर में ले जाकर के एकदम छोड़िए सर एकदम ऐसा नहीं है इधर ही आपका हमको लगता है कि फेवरेबल कंडीशन इसका अच्छा है गंगा गाड़ी है खाने का अच्छा इसका सुविधा मिल जा रहा है और जिस कारण से ये और उधर रोड भी साफ हो रहा है ना उधर का सारा इलाका साफ है इधर नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह विंग एंड हैप्पी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फॉरेस्ट इलाका है हम लोग यहाँ आए हैं छोड़ने के लिए रसल स्वाइपर तीन तीन रसल स्वाइपर एक ही जगह पर पकड़ाया था दो मैटिंग करते हुए ही था और ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे दे सकता है क्योंकि ये ओबीवीवी पैरस है तो मैं एक एक करके आपको रिलीज़ कर रहा हूँ तीन रसल स्वाइपर है इसमें तीनों को काफ़ी मशक्कत के बाद घरों से पकड़ा गया था तीनों को मैंने अलग अलग बोरे में रख दिया है ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना पहुंचाए और मैं एक एक करके यहाँ रिलीज़ कर दूंगा
तो सबसे पहला एक रेसस पेपर रिलीज कर रहा हूँ, इसका नाम हुआ डिवायर एसएलई साइंटिफिक नेम। पॉज कर दीजिए। तब ये सबसे पहला रेसस पेपर जिसको हम लोग यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं फॉरेस्ट इलाका में, काफी खतरनाक होता है इसका काटना। ये है रसल स्वाइपर चेरचंदा, हिंदी में इसको कहते हैं, और ये अनसर्टन होता है। इस तरह से जब ये बैठता है तो समझ लीजिए कि ये अब ये जो आवाज निकाल रहा है अब ये काटने के लिए सतर्क आपको कर रहा है कि आप हट जाओ नहीं तो मैं काट लूंगा। और ये आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी काट सकता है ये कूद कर, और अपना फुल बॉडी का लेंथ यूज कर लेता है कभी कभी। और ऐसे ज्यादातर स्नेक सेवर्स जितने भी होते हैं खासकर रसल स्वाइपर से काफी ज्यादा डरते हैं। हम लोग को भी डर लगता है क्योंकि ये सांप ही कुछ ऐसा है, इसका जहर ही कुछ ऐसा है, हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। तो मैं इसे देख रहे हैं किस तरह से इसने मेरे ऊपर अटैक किया, तो मैं इसे ज्यादा छेड़ता नहीं हूँ, इधर इधर इलाका में इधर छोड़ दे रहा हूँ ताकि अपना इधर चला जाए। ये उधर जा रहा, अब मैं सेकेंड वाला को इधर कीजिए, मैं सेकेंड वाला को इस साइड रिलीज कर दे रहा हूँ ताकि वो उधर से चला जाए और मैं इधर सेकेंड वाला को रिलीज कर रहा हूँ। सेकेंड में इधर रिलीज कर दे रहा हूँ, इधर काफी ज्यादा बोरा भी हो गया। और इसमें बांधा हुआ है क्योंकि बोरा कमजोर था। अच्छा कंडीशन में कभी कभी ये 40-50 बच्चा से, मैंने इसका नॉर्मल 40-50 बच्चा ये दे सकता है, और अच्छा कंडीशन अगर आ 70-80 का, अभी तक तो रिकॉर्डेड माना गया कि 100 से भी अधिक बच्चा ये दे चुका है। तो ये सांप काफ़ी खतरनाक है, अजगर का बच्चा समझकर अक्सर लोग इसको छेड़ते हैं और इसे काटने पर मौत भी हो जाता है अगर सही जगह पे सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। ये काफ़ी बड़ा रसल स्वाइपर, काफ़ी खतरनाक, काफ़ी बड़ा रसल स्वाइपर है ये, और ये फुल लेंथ का यूज़ करते हुए इसको हम लोग इधर घुमा देते हैं ताकि ये जंगल की ओर चला जाए, और ये जंगल की ओर चला जाएगा। इसको जाने दीजिए, मैं थर्ड वाला को करता हूँ। आइए अब इधर थर्ड वाला को दिखाइए, मैं थर्ड वाला को यहाँ पे रिलीज करने जा रहा हूँ, और ये थर्ड रसल स्वाइपर, और इसको हम लोग ये साइड रिलीज कर देंगे। तो तीनों तीन साइड में रिलीज हो गया, हम लोग इसको रिलीज कर दे रहे हैं। जल्दी जल्दी रिलीज इसीलिए हम लोग को करना पड़ रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंधेरा होते जा रहा है, सांप डल रहा है, और ज़्यादा अंधेरा होने पर फिर सांप को छोड़ कर जाना, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर आए हुए हैं यहाँ पे सांप को छोड़ने के लिए, और दूर ही छोड़ना चाहिए इंसानी इलाका से दूर। यहाँ इसको खाने के लिए अच्छा चूहा वगैरह छिपकली वगैरह ऐसा मिल जाएगा जिससे वो खाकर अपना ज़िंदगी चला सकता है। अभी प्रकृति के आवास में जाता हुआ, जैसे कि आपका रसल स्वाइपर चला गया इधर, हम लोगों ने तीन साइड में रसल स्वाइपर को छोड़ दिया। आप लोगों से भी निवेदन है कि सांपों को मारे नहीं, क्योंकि वो प्रकृति के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है। अब हम लोग शाम होने से पहले यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम लोग कतरास क्षेत्र से यहाँ पे आए हैं, और ये एक जंगली इलाका है तो यहाँ से हम लोग घर भी जाना है, क्योंकि एक मैसेज देना रहता है हर किसी को। हर कोई ये सवाल करते कि आप लोग सांप को पकड़ते तो करते क्या है, तो देखिए दोस्तों हम लोग करते क्या है, हम लोग जंगल में छोड़ देते हैं। आप लोगों को भी अगर इस तरह का सुविधा ना हो तो एक बड़ा सा डंडा लीजिए, उसमें एल टाइप का उसको बना लीजिए, दूर से ही स्नेक को उठा के साइड कर दीजिए, स्नेक चला जाएगा, उड़ के नहीं काटने आएगा कोई भी सांप। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग भी सांप को बचाइएगा हम लोग की तरह। जय हिंद।